लुमना की रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं मुनगे की तरी वाली सब्ज़ी। इसको सहजना की फली भी कहते हैं। मुनगे की सब्ज़ी के बहुत फ़ायदे हैं, इसीलिए हमें इसे खाने में यूज़ करना चाहिए। मुनगे की करी को आप चावल के साथ भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मुनगे की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 से 6 पीस मुनगा लिया है। मीडियम साइज़ के मुनगे हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं। सूखे मसालों में आपको चाहिए होगा 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। नमक यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मुनगे को आपको कैसे कट करना है। उसकी ऊपर की लेयर को हम छील के निकाल देते हैं और छोटे छोटे पीसेस में सारे मुनगों को हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं सभी मुनगों को मैंने पीस पीस कर लिया है। आलू को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मुनगा और आलू को अच्छे से धो लीजिए। आलू काले नहीं पड़े इसीलिए मैंने इसे पानी में डाल दिया है। प्याज और टमाटर को हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर को पीस लिया है। अब गैस में हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 1 बड़ी चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होने पर 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे और उसके तड़कने का वेट करेंगे। ज़ीरा हमारा तड़क चुका है, अब हम उसमें प्याज और टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे। इसे कम से कम 1-2 मिनट तक भूनेंगे। प्याज टमाटर को 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। अब हम इसमें अपने सारे सूखे मसाले डाल देते हैं, अच्छे से सभी को मिक्स कर देते हैं। अब हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पे भुनना है। आप अपनी फ्लेम को मीडियम से लो की तरफ रख सकते हैं। बीच बीच में आपको चलाते रहना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी अब भुन रही है। गैस की आंच को मीडियम से लो के बीच में रखी हूँ मैं। बीच बीच में आपको ग्रेवी को चलाते रहना है ताकि ग्रेवी नीचे से चिपक ना जाए। मसाला हमारा काफ़ी अच्छा भुन चुका है, आप देख सकते हैं। मसालों के भुनने पर आपको उसमें तेल नज़र आने लगेगा हल्का हल्का, तो आप समझ जाएं आपका मसाला बढ़िया तरीके भुन चुका है। ग्रेवी हमारी ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला है। अगर आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहिए है तो आप उसमें 1/2 कप पानी और डाल सकते हैं। अब ग्रेवी में हम 1 उबाल आने का वेट करेंगे।
आप देख सकते हैं ग्रेवी में हमारे एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें अपने कटे हुए मुनगे और आलू को डाल देंगे। गैस की आंच को मीडियम से लो के बीच में रखेंगे और कढ़ाई को ढक्कन से ढक देंगे। मुनगा और आलू हमारे जब तक अच्छे से गल ना जाएं, तब तक हमें इसे पकाना है। आलूओं को अच्छे से गलने में 15 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। हमारी सब्जी को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे आलू भी गल गए हैं, मुनगा भी अच्छे तरीके से गल गया है। हमारे मुनगे की तरी वाली सब्जी रेडी है। अब इसमें हम कटा हुआ धनिया डाल देंगे। हमारी सब्जी खाने के लिए रेडी है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं मुनगे की सब्जी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लुबना की रसोई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।